बताइए। हाँ भाई बताओ सर, एक बार आया था मैं इसी प्रकरण में आपके पास, तो वो मेरे जमीन का मामला था जो है, उसमें ये लोग फायर वायर कर दिए थे और पिस्टल से, लाइसेंसी पिस्टल थी। वो फाइनली ये देख ली रिपोर्ट जो आई है? हाँ सर मैं देख लिया हूँ। 7 नंबर 100 अज्ञात लोगों के पंजीकृत होकर विवेचनाधीन है जी जी। नंबर 4 पर है अभी, आपके आदेश कार्रवाई चल रही है जी जी सर, आपके आदेश से इसको तो जेल भेज दिया गया जिसने पिस्टल से फायर कर दिया, लेकिन इसको देसी तमंचा लगा के भेजा गया है। अभी इतनी फाइनल चीजें उनको दिखाइए, नए एसपी आ गए उनको बताइए। सब गया था, मिला है एसपी साहब से, मिला है, उन्होंने कहा कि हम दूसरे थाने के लिए जांच दें देंगे। मैंने कहा श्रीमान जी अगर इसको जांच अच्छे से, इनके साथ आए हो जी, बताओ सर इसी की दूसरी जगह ट्रांसफर कर दीजिए सर, जो है तो मुझे न्याय मिल जाएगा सर। कहीं से सर करवा दें, चाहे आप जब तक साहब अब के रहते साहब मुझे न्याय मिलेगा, कहीं से सर करवा दीजिए। नहीं तो कहाँ से? कहीं सर, जहाँ आप जहाँ किस थाने से बताइए, किस थाने से करानी है, किस सर्किल से करानी? जिले में किसी भी थाने में करा दीजिए, इलाहाबाद से करवा लीजिए। इलाहाबाद से नहीं हो सकती है, गुलेआम साहब जहाँ आप बताइए कौन से सर्किल से करानी है, चाहे सीआईडी विभाग में जहाँ देना हो। किससे? करवी, करवी कोतवाली से करवा दीजिए सर। साहब आपके रहते हुए ये व्यक्ति चला गया, नहीं आप साहब ना करते तो ये भी जेल ना जाता, सब थाने में घूमते हैं और राजापुर में साहब घूमते हैं सब, ये जमीन लेने के चक्कर में है साहब मेरे, ये साहब भूम माफिया साहब है, इसे क्या बताऊं साहब, जो इसकी अगर जांच हो जाए साहब ये तो खुद ही चला जाए, कोई लड़ नहीं सकता साहब, पैसे वाला आदमी है साहब, क्या बताएं सर, जो टीचर है साहब इसका, इसका जमीन का ही काम है साहब, ये मेरे जैसे कितने लोग परेशान हैं, जिले से घूम के चले जाते हैं, कहीं किसी को न्याय नहीं मिलता, इससे साहब बहुत पीड़ित लोग हैं। इसको साहब पुलिस बैठाई नहीं थी 2 घंटे साहब, इसके बाद भी साहब छोड़ दिया। चलिए लिख दिया, अन्य सर्किल थाने से होगी, वहाँ से लिए। और साहब जब तक आप रहेंगे तो मुझे न्याय मिल जाएगा, अरे आप चले जाएंगे तो न्याय मुझे नहीं मिलेगा, मैं जानता हूँ। वहाँ अभी मैडम से मिलने जाएंगे। मेरे एक भतीजे का साहब इस मर्डर हो गया था 15 साल पहले साहब, ये इन्वॉल्व थे, ठाकुर से करवा दिया, चौराहे की जमीन है, करोड़ों की जमीन है साहब, ये भूमाफिया लोग हैं, ये इधर उधर नंबर करके और मेरी जमीन कब्जा करने के चक्कर में है, इसमें साहब श्रीमान जी अच्छे से नाप हो गई थी, मुझे जमीन मेरी मिल गई तो ये बौखला गया और उसी में साहब इसने गोली चलवा दी। एसडीएम साहब के आदेश से बहुत अच्छे से मेरी नाप हो गई थी कि मेरा 1 बीघे लिए ले रहा था, यहाँ से इंजीनियर कर दिया जी जी चल।